हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काबिल इंजीनियर्स चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद, मैं काफ़ी दिन हो गए मुझे, मैंने वीडियो नहीं बनाया था इस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ। तो मैंने दोस्तों आज एक वेंचुरी मीटर एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। उस वेंचुरी मीटर टॉपिक सेलेक्ट करके दोस्तों, जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, वो मैंने यहाँ पर करने की कोशिश करी है। ठीक है ना? आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना? और जो दोस्त हमसे नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, क्या कर दें दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, चलिए। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं वेंचुरी मीटर। इसमें वेंचुरी मीटर से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से कि वेंचुरी मीटर इज़ एन डिवाइस यूज्ड फॉर। इसके लिए दोस्तों मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिखा है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेंचुरी मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला, आया भी एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि वेंचुरी मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो वेंचुरी मीटर दोस्तों क्या प्रयोग, क्यों हम लोग वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों एक से सही आंसर है टू कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो, यानी कि प्रवाह की दर मेज़र करने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेंचुरी मीटर, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। वेंचुरी मीटर में जो कोन एंगल होता है वो कन्वर्जन साइड, कोन एंगल ऑफ कर्वन, जो कन्वर्जन साइड होती है उसका कोन एंगल कितना होता है? दोस्तों वेंचुरी मीटर की अगर मैं बात करूँ, तो वेंचुरी मीटर इस तरीके का होता है, मोस्टली बच्चे जानते होंगे। तो ये दोस्तों जो ये वाली साइड होती है, ये होती है कन्वर्जन, और ये वाली साइड होती है दोस्तों, ये होती है डाइवर्जन। ठीक है, वेंचुरी मीटर से जो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं यहाँ पे करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, हाँ, तो एक वेंचुरी मीटर में हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं अभिसारी पक्ष का शंकु कोण कितना होता है। दोस्तों ये इसका सही आंसर है ग्रेटर देन डाइवर्जिंग साइड। ठीक है, देखिए इसमें एक तरह का एंगल होता है जो कन्वर्जन साइड का, कन्वर्जन साइड का एंगल दोस्तों 20 डिग्री ज़्यादा होता है डाइवर्जन साइड से। ठीक है, डाइवर्जन साइड का दोस्तों 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होता है। या आप पढ़िएगा, ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, वहीं से मैंने ये लिया है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ग्रेटर देन डाइवर्जिंग साइड। डाइवर्जिंग साइड दोस्तों किधर होता है, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड पर डाइवर्जिंग साइड होता है, लेफ्ट हैंड पर दोस्तों इसका कन्वर्जन साइड होता है। और कन्वर्जन साइड का दोस्तों जो एंगल होता है वो 20 डिग्री होता है, और जो डाइवर्जन साइड का एंगल होता है वो होता है 10 से 15 डिग्री। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है इन अ वेंचुरी मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन अ वेंचुरी मीटर कोन एंगल ऑफ अ कन्वर्जन साइड इज ग्रेटर देन डाइवर्जन साइड। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ कन्वर्जन पार्ट ऑफ वेंचुरी मीटर। जो कन्वर्जन पार्ट होता है दोस्तों उसकी लेंथ कितनी होती है वेंचुरी मीटर में? तो दोस्तों उसकी लेंथ जो होती है वो होती है कम। इसका सही आंसर है लोअर देन द डाइवर्जन साइड। जो डाइवर्जिंग साइड होती है उससे कम हो, डाइवर्जिंग साइड की दोस्तों ये जो लेंथ होती है इस तरीके से, ये मान लो ये वेंचुरी मीटर में बना दे रहा हूँ रफ, तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इस वाली के, ये लेंथ ज़्यादा होती है ये वाली, ये डाइवर्जन साइड होता है, ये कन्वर्जन साइड होता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है द लेंथ ऑफ कन्वर्जन पार्ट, कन्वर्जन पार्ट ये हो गया तो इसकी लेंथ कम है, तभी तो ये आंसर लगाया लोअर देन डाइवर्जिंग साइड, डाइवर्जिंग साइड की ज़्यादा है।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है एंगल ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट ऑफ वेंट्रीमीटर। अब मैंने आपको अभी बताया था डाइवर्जिंग पार्ट का एंगल छोटा होता है कन्वर्जिंग पार्ट के एंगल की अपेक्षा। तो दोस्तों इसका जो एंगल होता है वो होता है 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में। ठीक है, 15 से ऊपर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वेंचुरीमीटर से वो मैंने सब बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द एंगल ऑफ कन्वर्जन पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। अब कन्वर्जन पार्ट का वेंचुरीमीटर का एंगल मैं आपको बताया था कितना होता है 20 डिग्री। तो 18 से 20 डिग्री के बीच में दोस्तों आप टिक लगा दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आ जाए ये क्वेश्चन तो ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, द लेंथ ऑफ कन्वर्जन पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर, जो कन्वर्जन पार्ट होता है उसकी लेंथ आपको पता है छोटी होती है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों 2.7 डी, यानी कैपिटल डी ये तो इनलेट का डायामीटर हो गया, और स्मॉल डी दोस्तों किसका डायामीटर होता है, थ्रॉट डायामीटर। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न करते हैं। द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर, अब बताइए डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ कितनी होती है दोस्तों। सही आंसर है 7.5 × d। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कन्वर्जन पार्ट की कितनी होती है 2.7 × d। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एट क्वेश्चन है दोस्तों, वेंचुरीमीटर द थ्रॉट रेशियो, थ्रॉट रेशियो कितना होता है। तो दोस्तों थ्रॉट रेशियो जो होता है वेंचुरीमीटर में वो होता है d2/d1। d2 यानी कि इस तरीके से मान लेना आप इनलेट का डायमीटर, ये होता है थ्रॉट डायमीटर। ठीक है, इस तरीके के देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अच्छा ये वीडियो दोस्तों जो भी UP SSSC वाले बच्चे हैं, जितने भी JEE के एग्ज़ाम्स हैं या जितने भी AE के एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी देखिए दोस्तों जिनको देखना है। और इन अ वेंचुरीमीटर थ्रॉट रेशियो दोस्तों कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 से लेके 3/4 के बीच में दोस्तों थ्रॉट रेशियो होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी बहुत हैं। ठीक है, थ्रॉट रेशियो 1/4 से लेके कितना, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही मिले एग्ज़ाम में ठोंक देना है इसको, सही आपका एक नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1/4 से लेके 3/4। टेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ वेंचुरीमीटर इट कंसिस्ट, कन्वर्जिंग पार्ट होता है बिल्कुल होता है, डाइवर्जिंग पार्ट होता है होता है, थ्रॉट होता है बिल्कुल होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में दोस्तों इसलिए लिखा गया ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 11th क्वेश्चन है, इन अ वेंचुरीमीटर इज बेस्ड, वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड होता है, कौन सी थ्योरी पे बेस्ड होता है। तो दोस्तों सही आंसर है, क्या कंटिन्यूटी पे बेस्ड होता है, क्या बर्नौली पे बेस्ड होता है, या फिर बोथ बर्नौली एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सही आंसर है दोस्तों ओनली बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड करता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन आपको पता है किस पे बेस करती है, एनर्जी, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ये मास पे डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, हर टॉपिक पे, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तुरंत आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों 12th क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ कन्वर्जिंग पार्ट ऑफ द वेंचुरीमीटर। एक्चुअली कन्वर्जिंग पार्ट का फंक्शन क्या है वेंचुरीमीटर में, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये इसका काम होता है कन्वर्जिंग पार्ट का।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द थ्रॉट ऑफ वेंचुरी मीटर वेलोसिटी इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज, नॉट एनी चेंज इन वेलोसिटी या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये मत पूछिए कि क्यों क्या कैसे, उसका भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आपको बताऊं, आपको एग्ज़ाम में दिख जाए बस ठोंक देना, डायरेक्ट 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थ्रॉट पे बेंच वेलोसिटी कैसे कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, इंक्रीज होती है, ध्यान रखना, डिक्रीज नहीं होती। 14th क्वेश्चन है, एट द थ्रॉट व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, नॉट चेंज इन प्रेशर या नन ऑफ दी। तो दोस्तों दोस्तों प्रेशर जो होता है वो होता है डिक्रीज, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, 15th क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन वेंचुरी मीटर बाय फॉर्मूला। तो आपको पता है कि जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कभी भी आपको इतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल तो कराएगा नहीं एग्ज़ाम में पहली बात, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि वहाँ न्यूमेरिकल करने बैठेंगे, और ऊपर से इतनी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, तो वो फॉर्मूला ही पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ लगाना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं उसके वेंचुरी मीटर में डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्यू एक्चुअल इजिकल्स टू सी डी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 इंटू A2 अपॉन अनरूट A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर अनरूट 2GH। ठीक, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, कि कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब ये वेंचुरी मीटर में मुझे लग रहा था कि आ सकता है, तो मैंने इसमें डाल दिया, प्रेशर हेड कैलकुलेट करना है, यानी कि एच कैलकुलेट करना है इन अ वेंचुरी मीटर। रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टिंग टू द इनलेट एंड थ्रॉट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड मैं आपको भी बताता हूँ इसका सिंपल सा फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एच इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एस एच अपॉन एस नॉट -1। ये फॉर्मूला लगाओ और इस क्वेश्चन का आंसर पाओ। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दोस्तों 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एच बराबर कितना, 20। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, और जो एस एच है दोस्तों, ये मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 13.6 डिवाइडेड बाई। अब एस नॉट है वो वाटर की दे रखी है, तो वाटर की कितनी दे रखी है, 1 -1। अब इतनी कैलकुलेशन करने में कितना टाइम जाएगा आपको, तुरंत आप आंसर निकाल दो कितना, 252 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, पूछ लेगा डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड इन वेंचुरी मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने जो अभी फॉर्मूला लिखा था ना ऊपर वाले प्रश्न में, वो यही क्वेश्चन है, यही वाला फॉर्मूला है वो। ठीक है, इसमें कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड इन अ वेंचुरी मीटर पूछता है, तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 1 कर देगा, 5 कर देगा। तो आपको अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर ये लगाओगे। ठीक, इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन UPSSJEE का है, पोजीशन ऑफ वेंचुरी मीटर। तो दोस्तों क्या पाइप में वेंचुरी मीटर को हॉरिजेंटल रखते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, वर्टिकल रख सकते हैं, रख सकते हैं, इंक्लाइंड रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो सही आंसर है एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन जो है आप ये रख सकते हो। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड इन वेंचुरीमीटर, वही फॉर्मूला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीडिंग ऑफ डिफरेंस इन मैनोमीटर इन अ कनेक्टिंग टू द इनलेट एंड आउट इन थ्रेड थ्रॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टिंग टू द इनलेट एंड थ्रॉट, इक्वल टू रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टिंग टू द इनलेट एंड आउट। तो मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है उसका, एच इज इक्वल्स टू एक्स एस एच अपॉन एस नॉट माइनस वन। तो यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स ये रीडिंग ऑफ डिफरेंस मैनोमीटर इन कनेक्टिंग द इनलेट होता है, तो ये एच बराबर क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो सही आंसर ये नहीं हो जाएगा इसका। इस तरीके से ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द वेंचुरी मीटर इनलेट डायमीटर, यानी कि बाहरी डायमीटर दे रखा है इतना, थ्रॉट डायमीटर दे रखा है इतना, कैलकुलेट द थ्रॉट रेशियो। तो हमने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, उसमें थ्रॉट रेशियो दे रखा था क्या, डी टू अपॉन डी वन। सिंपल सा करना है आपको, 4/1.5 करके आंसर निकाल देना है, कितना आएगा, 0.375 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करके देखिए, इस तरीके से ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, थ्रॉट रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट ऑफ द वेंचुरीमीटर। तो डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ दोस्तों क्या है, हमने पढ़ी है 7.5 × d, तो 7.5 × d कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आई थिंक अगला क्वेश्चन है क्या कोई, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट में लिख के ये बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसी और क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, और जो दोस्त नए आए हैं या उनको क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाली है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ओके दोस्तों, आपके वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।